Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, we are going to prepare for CTET, that is Central Teacher Eligibility Test. ठीक है, तो CTET के लिए प्रिपेयर करेंगे हम, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई 2019 को. तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर करेंगे ताकि बाद में काफ़ी ज़्यादा बर्डन ना हो हमारे ऊपर. और वैसे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, टेस्ट बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही ईजीली मार्क्स इसमें स्कोर हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसमें तो के लगा कर भी आ सकते हैं. तो वैसे भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देकर आते हैं, प्रिपेयर करके आते हैं, डाइट वगैरह में सब कुछ पढ़कर आते हैं ये चीज़ें. डाइट में जो भी एलएड आपने, बीएड, डीएड जो भी किया है आपने, उसमें आप ये पढ़कर आते हैं चीज़ें. तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है आपके लिए पेपर, आप बिल्कुल अच्छे से ये प्रिपेयर कर सकते हैं. बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी रेगुलरिटी की ज़रूरत है. तो रेगुलरिटी से ही याद आया, हम यही पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. इसमें भी रेगुलरिटी की ही बात की जाती है. तो बेसिकली हम सबसे पहले असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का टॉपिक कवर करेंगे और आई थिंक 3 वीडियोस में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. फर्स्ट तो ये है जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की. सेकंड आएगी पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट, जो कि आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ फॉर लर्निंग जो होते हैं. उसके बाद थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट की, जो कि क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल, ये वाली जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. और 3 ही वीडियोस में हमारी ये जो टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का, ये कवर हो जाएगा. और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि सीटेट में आए हुए हैं या फिर आने की उम्मीद है इस टॉपिक से रिलेटेड. तो फ्रेंड्स, आप उसको करके देखिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएंगे ईजिली. तो इस तरह से हम एक टॉपिक को कवर कर पाएंगे. तो जैसा कि आप थंबनेल पढ़ चुके हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको हिंदी में कहा जाता है. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले. CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम पूरा मानते हैं. और इसका जो सोर्स है वीडियो बनाने का, वो है मैनुअल फॉर टीचर्स बाय CBSE. तो इस चैनल पर अगर हम कोई वीडियो बनाने वाले हैं तो उसका सोर्स भी मैं आपको बताऊँगी और हम ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ेंगे. जैसे कि पोजीशन पेपर हैं, वो भी NCERT की तरफ से बनाए जाते हैं. ये मैनुअल फॉर टीचर्स है, ये भी CBSE की तरफ से ही है. अगर आपको ये मैनुअल देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये CBSE का ही बनाया हुआ है और जो CTET है वो भी CBSE की ही जो है, CBSE ही कंडक्ट कराता है. तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है जिसको अगर हम पढ़ लें तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बजाय कि हम उन चीज़ों को पढ़ें जो कि बाहर से प्राइवेट पब्लिशर्स ने बनाई हुई हैं. उससे बेटर है कि हम ये वाली चीज़ें पढ़ें. पोजीशन पेपर है, वो भी NCERT खुद कंडक्ट कराता है. अगर आपको साइकोलॉजी वगैरह भी पढ़नी है तो वो भी जो है NCERT से ही पढ़ेंगे हम. NCERT जो 11th एंड 12th की होती है. तो सारी चीज़ें जो मेन सोर्स से पढ़ी जाएँ, क्योंकि एक इसका एग्जाम्पल हम DSSB एग्ज़ाम में भी देख चुके हैं, जिसमें जो उन्होंने ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स से जो पढ़ी हुई बुक्स हैं उनको बिल्कुल नकार के उन्होंने NIOS से पेपर बनाया. तो ये जो है CBSE बोर्ड जो है या DSSB बोर्ड, ये कभी भी ऐसा कर सकते हैं. और तो इसलिए हम इन्हीं सोर्सेज से पढ़ेंगे. सो CCE पढ़ रहे हैं हम. और CCE पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. वैसे बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट हमें पता होना चाहिए असेसमेंट और इवेल्यूएशन में डिफरेंस. तो 4 चीज़ें हैं. टेस्ट जो कि हम नॉर्मल टेस्ट, जिसका हम मतलब समझते हैं कि पेन पेपर होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इतना टाइम हमें दिया जाता है उस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए. तो सम सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, लिमिटेड होते हैं. सेकेंड चीज़ है मेजरमेंट. मेजरमेंट होता है किसी भी चीज़ का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट सिर्फ. जैसे हम किसी की हाइट मेजर कर रहे हैं, किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, किसी के हिंदी इंग्लिश में मार्क्स मेजर कर रहे हैं. तो सिर्फ जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर मेजरमेंट में आएंगे. ठीक है, तो ये टेस्ट से थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है मेजरमेंट का. तो ये इसी वे में चल रहे हैं, टेस्ट जो है नैरोअर से ब्रॉडर की तरफ. यहाँ पे ऊपर की तरफ नैरोअर और यहाँ से ब्रॉडर की तरफ हम जा रहे हैं. नेक्स्ट है असेसमेंट. असेसमेंट जो कि हम बोलते हैं स्कोलास्टिक असेसमेंट, को स्कोलास्टिक, तो वो सारी चीज़ें आएंगी जो क्वांटिटेटिव भी होंगी और क्वालिटेटिव भी होंगी. ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को हम मार्क्स में मेजर कर पाएँ. तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही तरह की
चीजें जो है एस्पेक्ट असेसमेंट के अंडर आएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। तो ये सबसे वास्ट कॉन्सेप्ट होता है और इसमें असेसमेंट तो है ही है, इट मींस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो है ही है, प्लस उसके साथ जुड़ जाती है वैल्यू जजमेंट। ठीक है, कि जैसे इवेल्युएशन हम फाइनली करके दे रहे हैं, समेटिव इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव समेटिव इवेल्युएशन होते हैं, तो वो जो हम करके दे रहे हैं तो मार्क्स तो होते ही हो, प्लस उसके साथ कि बच्चों का दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आ गए। और फाइनली हमारी वैल्यू जजमेंट उस बच्चे के साथ होती है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, मतलब इस वे में अच्छा है या फिर ये चीज़ें। तो अपनी वैल्यूज जब उसके साथ जोड़ देते हैं, वैल्यू जजमेंट हम जब देते हैं, तो वो सारा सम अप करके हम उसकी बात करते हैं इवेल्युएशन की। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी जब आप ये वेन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो टेस्ट जो है एक छोटे सर्कल में है, उसी सर्कल को कवर करता हुआ मेजरमेंट, और उससे बड़ा सर्कल जो है असेसमेंट का, एंड लास्ट एंड फाइनल दैट इज इवेल्युएशन। तो इस वेन डायग्राम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा नैरोअर और कौन सा ब्रॉडर एस्पेक्ट और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती जा रही हैं। तो ये पर्पस था इसका बनाने का। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको कि हम शॉर्ट में CCE बोलते हैं, रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये कवर करने की कोशिश करता है सारे एस्पेक्ट को, इसीलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं। इन दोनों टर्म्स को आगे हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि मेन टर्म्स यही हैं। आगे देखते हैं क्या मतलब होता है इनका। पहले तो मेन ऑब्जेक्टिव, बहुत ही मेन है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ होते हैं। कोई भी जब हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को क्यों वो अप्लाई किया जा रहा था, क्या जा रहा है। तो टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन इवेल्युएशन। तो कंटिन्यूटी की बात हम करते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा पढ़ता है और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या फिर ऐसे के टाइम पे वो बच्चा बीमार हो जाता है, किसी वजह से पेपर नहीं दे पाता, तो सिर्फ उस चीज़ को देखकर, हम बीमार होता है तो वो अपना फुलफिल उस पे एक पेपर में नहीं दिखा पाता, तो हम कैसे मान लें कि उस बच्चे को वो चीज़ें नहीं आती। तो इसीलिए इवेल्युएशन को कंटिन्यूस रखा गया कि हम टाइम टू टाइम रेगुलरिटी में हम चीज़ें देख सकें कि उस बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता। सेकेंड चीज़ है टू सर्व एज अ फीडबैक टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ मार्क्स चेक कर लिए और ख़त्म हो गया, हम उस बच्चे को और टीचर्स को फीडबैक देते हैं। ये सिर्फ बच्चे की ही लर्निंग के लिए नहीं, टीचिंग के लिए भी फीडबैक होता है कि हम टीचिंग को या लर्निंग को कैसे इम्प्रूवमेंट इसमें लाई जा सके। तो ये काम हो गया कि टू सर्व एज अ फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। नेक्स्ट है टू असेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हम असेस कर रहे हैं, ना कि उसकी सिर्फ जो है नॉलेज वाली अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, सिर्फ नॉलेज उसकी चेक ना करके, सिर्फ जो है रटाफिकेशन उस ना कितना वो बच्चा कितना कर पाया, सिर्फ उसको हम असेस ना करके हम उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी असेस करें। टू हेल्प अ टीचर टू फाइन ट्यून हिज और हर टीचिंग। ठीक है, फाइन ट्यून करने को, टीचिंग जैसा कि मैंने बताया फीडबैक होता है टीचर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट की ताकि वो अपनी लर्निंग बेटर कर सके, और टीचर के लिए ताकि वो अपनी टीचिंग को थोड़ा सा फाइन ट्यून और अच्छा उसको बना सके, तो उसके लिए भी ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। लास्ट है टू इम्प्रूव लर्निंग। वही बात हो गई कि हाँ टीचिंग और लर्निंग दोनों का ही इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बात किया जाता है। और एक और बात जो बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ये तो है कि पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो कई बार हम असेसमेंट या इवेल्युएशन से लेकर चलते हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहला कि बच्चों में फियर नहीं होना चाहिए, फियर जो एग्ज़ाम का फियर एंड एंग्जाइटी है वो बिल्कुल ना आए, वो बिल्कुल भी इसका पर्पस नहीं है CCE का। अगर पूछा जाता है कि CCE के पर्पस क्या हैं, तो इनमें से कुछ है तो आप लिख सकते हैं, बट अगर बोला जाए कि हाँ फियर एंड एंग्जाइटी है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेबलिंग करना है टीचर की, वो बच्चों की जो लेबलिंग कर दी जाती है कि ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है, तो ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये इतना कम है, बैड स्कोरर है, तो वो लेबलिंग बिल्कुल भी ना हो। तीसरी चीज़ कि अगर मतलब लेबलिंग हो गया, फियर हो गया, तो ये चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें जो उसका इवेल्युएशन करने के बाद। ठीक है, तो
और कंपैरिजन भी है जो तीसरी चीज़ है कि कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दो बच्चों को कंपेयर कर दिया हमने उठा के कि हाँ ये इवैल्यूएशन आए हैं इसके मार्क्स 100 में से 90 आए हैं तो ये तो वो कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए तो वो नेगेटिव वे में जाता है। अब बात करेंगे हम कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। सीसीई में जो फर्स्ट वर्ड है कंटिन्यूअस उसका मतलब क्या है। तो सीसीई ये कंटिन्यूअस स्टैंड्स फॉर असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो ये होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलता है ये, नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, सिर्फ एट द एंड ऑफ द टर्म में हम जब ले रहे हैं उसको तो वो हम सीसी नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ एक जैसे नॉर्मली हमारा चलता आ रहा था, एग्जाम होते थे मिड टर्म, हाफ ईयरली और एंड ऑफ द टर्म, तो वो जाएगा। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि उसका चैप्टर वाइज या किसी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि उसका एग्ज़ाम हम प्रॉपर पेन पेपर मोड में लें, तो किसी भी तरह से ये इवेल्युएशन किया जा सकता है और ये कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होता है। इसके करेक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहले तो रेगुलरिटी है, फ्रीक्वेंसी होगा, रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट वाइज लें ना कि एंड ऑफ द टर्म। अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, ये बहुत मेन चीज़ है, अप्लाइंग करेक्टिव मेजर। ऐसा नहीं है कि हमने उसका एग्जाम ले लिया और उसको गलतियां बता दी बस कि हाँ ठीक है ये है और ये कमियां हैं। करेक्टिव मेजर्स जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, जब तक फीडबैक उनको नहीं देंगे, गिविंग फीडबैक टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, जब तक उनको फीडबैक नहीं मिलेगा, करेक्टिव मेजर्स नहीं होंगे उनके साथ अप्लाई, तब तक कोई फायदा ही नहीं है इवेल्युएशन का। ठीक है, इवेल्युएशन का फायदा तभी है जब हमें गलती पता लगे और हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पे सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है ब्रॉडर वे। ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू कवर बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। मेन वर्ड्स हैं फ्रेंड्स ये, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो स्कोलास्टिक और जो को स्कोलास्टिक है ये टर्म्स आगे हम पढ़ेंगे। वैसे तो मीनिंग इनका ये होता है, स्कोलास्टिक जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक से और स्टडी से रिलेटेड जिसको हम मानते हैं वो होगा स्कोलास्टिक में, और को स्कोलास्टिक अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें वैल्यूज वगैरह की बात की जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं, ये स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो शो करते हैं, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव में कवर होते हैं। अ चाइल्ड विल बी असेस्ड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हिज नॉलेज बट अबाउट द सब्जेक्ट बट द हिज पार्टिसिपेशन इन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई 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 उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे कि वो बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में, डांस में, क्विज में, और मतलब जो भी मार्शल आर्ट, स्विमिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कितना अच्छे से पार्ट ले पा रहा है, तो वो भी हम उसका मेजर करेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो दोनों टर्म्स क्लियर हैं। कंटिन्यूस मीन्स जब रेगुलरिटी की बात करते हैं हम, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वो होता है जब हम उसकी सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जब हम कवर करते हैं। आगे देखते हैं, तो ये एक डायग्राम है, तो इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो सीसी है उसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, कंटिन्यूअस है और कॉम्प्रिहेंसिव है, ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं। फिर जो कंटिन्यूअस है जो लर्निंग और इसमें जो असेसमेंट पीरियडिकली होता है, ठीक है, पीरियडिकली मतलब टाइम टू टाइम जो होता है वो उसकी बात की जाती है, जबकि जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो फर्दर डिवाइडेड है स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज में। ठीक है, और जो स्कोलास्टिक एरियाज हैं उसके लिए दो तरह के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम ये कवर कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज जो हैं क्या होते हैं। आगे देखते हैं, अब है स्कोलास्टिक एस्पेक्ट, इट इज रिलेटेड टू लर्नर्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो लर्नर्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसके ऊपर जो ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है और उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट किस में लाता है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो टीएल प्रोसेस होता है हमारा उसी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, बजाय कि बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने के। वो एरिया कवर करना होता है को स्कोलास्टिक के हाथ में। ठीक है, जो को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एरियाज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, जो बाकी की चीज़ें हैं वो आएंगी इसके अंदर, यहाँ आएंगी ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, स्टडीज से रिलेटेड, बुक्स जिसको हम बोलते हैं, नोटबुक से रिलेटेड जो है वो आएगा स्कोलास्टिक में,
और स्कूल स्कोलास्टिक में आएगा को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज. क्लियर है? आगे अब जो हमने वेन डायग्राम में देखा था कि जो स्कोलास्टिक एरिया है वो फर्दर आगे डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, समेटिव और फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन. ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव इवेल्यूएशन. ये जो समेटिव असेसमेंट है हमारा, आपने अगर DSSB का एग्जाम देखा हो किसी ने, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जो समेटिव इवेल्यूएशन है ये कितना जो है कवर करता है पोर्शन जो इवेल्यूएशन का है, फाइनल इवेल्यूएशन का. तो फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो है हाफ टर्म, और जो सबमिटिव होते हैं एसेज वो होते हैं टू टाइम्स, SA1 and SA2. ठीक है, सबमिटिव असेसमेंट होते हैं दो बार, SA1 and SA2, और फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं फोर टाइम्स, FA1, 2, 3, 4. जिसको हम हाफ ईयर मानते हैं उसमें कवर होती हैं ये वाली चीज़ें, FA1, 2 and SA1. FA1 10 marks, FA2 10 marks, SA1 होता है 30 marks. ठीक है, ऐसे ही FA3 10 marks, FA4 10 marks और SA2 होता है 30 marks. फाइनली क्वेश्चन ये था कि SA जो समेटिव असेसमेंट है वो कितना परसेंट कवर करता है. तो 30 and 30 ये हो गया 60, और ये होता है कवर जो करता है 10 10 10 10 40. तो FA कवर करता है 40% इवेल्युएशन को और SA कवर करता है 60% इवेल्युएशन को. ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं. अगर आए तो आप फ्रेंड मिस ना करें इसको बिल्कुल भी. ठीक है, तो इस पोर्शन में अगर हम देखें तो ये हाफ पोर्शन जो है 30 10 10. ठीक है, ये एक जो है 50% पोर्शन हो गया उसके लिए SA1 के लिए, और 50% पोर्शन कवर हो गया SA2 के लिए. बट अगर पूछा जाए कि स्पेशली FA कितना कवर कर पा रहा है तो वो होगा 40%. ठीक है, और SA कितना कवर कर पा रहा है वो होगा 60%. तो ये एक बात थी. आगे चलते हैं, स्कोलास्टिक असेसमेंट. हाँ, इस ये जो है टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके बारे में बता रही थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, तो ये कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ होता है. ठीक है, थ्रू आउट दिस ईयर जो हम बोल रहे थे कोर्स वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड सबमिटिव असेसमेंट होता है रिटन प्लस एंड ऑफ द टर्म. ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो FA ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं उसमें यूनिट टेस्ट ही हो, उसमें कैसे ही बनकर आ सकता है क्वेश्चन एयर, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टूल्स एंड टेक्निक्स जो FAs को हम जिसमें असेस कर सकते हैं. और सबमिटिव असेसमेंट में आते हैं इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप. तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आपको फोर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इसमें से FA कौन सा होगा और समेटिव असेसमेंट कौन सा होगा, तो वो आप देखकर इसमें से समझ जाएंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन. फॉर्मेटिव जो है यहाँ जो बात की जाती है वो आता है इट इज़ कैरीड आउट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये बहुत मेन चीज़ है इसकी, कि ड्यूरिंग आता है, ड्यूरेशन में आता है. ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ द टीचर्स एंड द लर्नर्स. ठीक है, फीडबैक की बात यहाँ की जाती है और ये ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में आता है. और जो मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के लिए वो है डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल. डायग्नोस्टिक से मतलब होता है कुछ इस तरह से टेस्ट प्रिपेयर किए जाएं कि हमें पता लगे कि बच्चा मेनली जो उसके वीक एरियाज हैं वो कौन से हैं, कहाँ वो ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है, और उन वीक एरियाज को डायग्नोस करके वहाँ रिमेडियल हम प्रोवाइड करें. ठीक है, वहाँ उस बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो जो वीक एरियाज हैं वो ही रिमूव हो सकें, वो ही रिमूव हो सकें. ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मेटिव में. अब आप बात करेंगे समेटिव असेसमेंट की. तो समेटिव असेसमेंट में इट कैरीज आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स. ठीक है, एट द एंड ऑफ द कोर्स होते हैं जैसे हमने SA1 बताया, SA2 बताया. ठीक है, FAs जो होते हैं वो 2-2 times होते हैं, जबकि SAs जो है 1 time होते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स. ठीक है, जैसे हाफ ईयरली हो गए और फिर फाइनली जो होते हैं, तो ये एंड ऑफ द कोर्स होंगे पहली बात. दूसरी बात, इट सम अप. ठीक है, सम अप की बात करेंगे हम यहाँ पे, हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्न फ्रॉम द कोर्स. ठीक है, सम अप हो जाएगा कि कितना एक बच्चा जो है कोर्स से सीख पाया. इट यूजुअली यूज फॉर असाइनिंग ग्रेड्स और सर्टिफिकेशन.
ठीक है, असाइनिंग ग्रेड्स है यहाँ पर, ठीक है। बात अगर हम करें, अगर हमसे ये बोला जाए कि असाइनिंग ग्रेड जो है वो किसका काम है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का या समेटिव असेसमेंट का, तो असाइनिंग ग्रेड जो है वो यहाँ पर काम है समेटिव असेसमेंट का। तो ग्रेड से यहाँ पे फ्रेंड्स आप लेबलिंग मत लेकर चलिएगा, लेबलिंग जो है एक नेगेटिव सेंस में जाती है, ग्रेड जो हम असाइन करते हैं वो एसेस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये खत्म होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको, ताकि पता लगता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।